कब से चिल्लाए रहे यार, कौन सुनता ही नहीं हमारी। कोनो बात पे भैंस खो रही है यार यहाँ पे है? ये अच्छा किया कृष्णा भैया आपने, मर्द अगर कड़क ना हो ना तो ऐसी औरतें ठेंगे पे रखती हैं उन्हें। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए। बस बस बहुत हुई गवाह, काफी देर से सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ हो ही जाएगा। सब चल जाओ, निकलो यहाँ से यार। जो आपने किया वो सही नहीं था पापा, इट्स रॉन्ग। आपने मम्मा को, यार तुम वो बड़े के बीच मत बोलो यार, हैं मम्मा पापा के बीच की बात ना, हम निपट लेंगे, संभाल लेंगे हम। रॉन्ग राइट कर रही हो यार तुम। साला वैसे दिमाग में पता नहीं काका चल रहा है, इतने छोटा मुद्दा में दिमाग लगाएंगे अपना। तुम जाके खेल खेलो अपना यार। पता क्या तनिक देखो तो सही, लड्डू में मीठा है का नहीं। क्या हुआ बाबा, अगिया बैताल की तरह झटक के जा रहे हो तुम? हम मेरारू वो इसे झटक के चली गई, हुआ क्या है बे? बाबूजी तुमका कहे ना, हमारे मामले में ना बोलो यार तुम। ठीक है, साले बाप को जवाब दे रहे हैं। अरे कृति, ये हर बात जरूरी थोड़ी तुमका हर बात बताया यार। अरे तो फिर ऐसे ताक लगाए काहे बैठे हो तुम, है ऐसे मतलब जासूसी काहे कर रही हो हमारी यार तुम? अरे यार इतनी देर हो रही थी, तुम छोड़ के आ जाती ना यार, हमारा इंतजार काहे है? हेलो प्रतिज्ञा जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। बलवंत त्यागी ने सरकारी वकील की मदद लेने से साफ मना कर दिया है, आपको उनसे खुद मिल लेना चाहिए। ठीक है, मैं बलवंत जी से मिलकर उनसे बात कर लूंगी। कहाँ चला गया यार, बच्चे भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, ढूंढो सारे को। अच्छी खबर देखनी थी ना। कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे रिमोट ढूंढ रहे हैं, और कहाँ ढूंढ रहे हैं। रिमोट? अरे यार तुम तो ठकुराए, मतलब ए कुमार, तुम्हारे बाबू जी को ना अंदर चापे हुए हैं। हाँ। यही रखो, दिखाई नहीं दे रहा इनको। ठकुराए सुनो, हम मजाक ना उड़ा, हम तुमको बता दिया। तुम्हारे चारों फूटा तो टाइट नहीं रह गई हो, चाहे जितना कजरा उठा लगा लो, बिटिहनी न बन पाई वो, समझे कि नहीं? समय गवा आएगा, तुमरा भी टाइम आएगा। रे बाऊजी, अम्मा का टाइम आएगा तब आएगा, लेकिन तुमरा टाइम तो आ गया है ना, तो तुम सुनते काहे नहीं हो कौनो के भी। अरे अम्मा इतने टाइम से बोल रही है कि अपने आंखें खुलवाए लो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए लो, लेकिन तुम्हारे कान पे ना एक जू नहीं रेंगती, बताओ। अरे यार एक उम्र है बिटिया, देखो तुझे ऐसा ना बोले यार, समझो कि नहीं? अरे सुनते तो हम सब की है, बाकी जिस काम से सुनते हैं वही काम से निकाल देते हैं, दूसरे काम तक बातें नहीं पहुंच पाती, चाहे जितना जोर रहे। सही बात हम बता रहे हैं, इतनी को सुई से इनको डर लगता है। हाँ। पता नहीं जवानी में कैसे तलवार चलाते थे। अरे जवानी में तुम जैसी कटारी को संभाल लिए तो तलवार तो बहुत छोटी चीज है यार। सुनो बाऊजी, फोन आया था थाने से, जाना पड़ेगा। सॉरी मम्मा। आपकी कोई गलती नहीं है, डोंट वरी। चलिए
नहीं सका। प्रतिज्ञा से तो कोई जानकारी निकाल नहीं सकते हम। इस इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर पुलिस को कोई भी सबूत मिला होता ना, तब तक तो समाचार में फैल चुका होता। क्या करें? किसना, किसना, किसना। लगता है हमका ही बलवंत के यहाँ जाना पड़े। शायद गर्व का चश्मा वहीं मिल जाए हमका। की पैरवी करने आज तक सिर्फ मर्द आया करते थे बहु बड़ी की चौखट पे। आज पहली बार चनानी आई है। सुन ध्यान से, मारा जवान बच्चा मारा है और एक माँ को अपने जवान बालक की अर्थी उठती देखनी पड़े है तो वो कितनी बार मरे, ये बात ना थारी समझ से परे है। बहु बड़ी परिवार का बेटा मारा है और बहु बड़ी का ना अपना कानून हुए तो फैसला भी बहु बड़ी करेंगे। थारी जरूरत ना है हमें यहाँ पे। अपना टीम जाम उठा ते विदा ले। हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही है, क्योंकि हम भी एक माँ हैं। किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोना कितना दुखदायी हो सकता है, इसका हमें अंदाजा है। खून के बदले खून जड़ा सके। जिसने मारे बेटे को मारा, उसने मारी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मार सके नहीं ना, तो तू ना समझ पावे कि हम पे के बीतरी। मैडम जी, मैं आपको ना जानू लेकिन आपके कानून को अच्छी तरह जानता हूं मैं। आपके कानून में मेरे हिसाब की सजा बिल्कुल ना है। उस हिसाब से मन ने आपकी कोई जरूरत ना है, है? अच्छा खासा जीवन चल रहा है आपका मैडम जी, सरकारी नौकरी है। क्यों कड़ेस पाड़ना चाहती हैं आप इस केस को लेके हैं? और वैसे भी इस केस के बारे में आप हमसे ज्यादा तो जान ना पाएंगी। अगर कुछ ऐसा है जो हम ना जाने तो बताओ, फिर देखते हैं। त्यागी जी हैं? अब तू फिर से आ लिया? तू तब क्या कहाँ से भाई? भाई यहीं से कड़ा टपक लिया तो यहीं रुक जा। भाई साहब घने भी जो रखे हैं सरकारी वकील के साथ, लेकिन थारा नंबर भी आगा रेप के बाद। वैसे कौन लड़ रहा केस? मतलब काबता हम जानते हो तो हम कह सकते ना, वो क्या कहते हैं उनका पुस है? बताओ यहीं बैठ कर ले का? क्या कहते हो? हाँ भाई बैठ बैठ जा। ठीक है ये। देख अभी चाहिए बोला था ना तन्ने। हेलो
बोले मैडम जी, कुछ ऐसा जो हम ना जाने। अपराध में इस्तेमाल हुई कार हमारे पड़ोसी की है, पर वो लंबे समय से इस शहर से बाहर थे। इनफैक्ट अपराध के पहले से ही वो इस शहर से बाहर थे, पर हमने उनसे सारी जानकारी ले ली है और उन्हें कहा है कि वो शहर में वापस आ जाए और तब तक वापस न जाए जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। जैसे ही वो वापस आ जाएंगे हम जांच शुरू कर देंगे। आपने हमसे ज्यादा ना जाना, लेकिन कम भी ना जाना। अकेले ही अकेले इतना सब कुछ जान लिया आपने। सोचा था कि फोन ही स्मार्ट होते हैं आजकल। पहली बार स्मार्ट औरत से मिलके अच्छा लगा। हमारे लिए केस से जरूरी और कुछ नहीं। आपको कानून पर भरोसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम इस केस में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और आपको और आपके बेटे को न्याय दिलाकर रहेंगे। मैडम जी, इतना तो हम कहेंगे कि आप बड़ी जुझारू औरत हैं। अपने काम का सगा ही किसी और का सगा हो सके। चलिए एक से भले तो। लेकिन वैसे मैडम जी, आप जैसे एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, प्रयागराज के किसी दबंग परिवार से। अगर आप उनकी सहायता ले लें तो दो से बड़े तीन हो जाएंगे। इस नाम का था उसका। मैं भी कार नाम के पीछे फंस गया। वो बाहर इंतजार कर रहा है, आओ मिला लेता हूं उनसे। बलवंत जी, आज हमें इजाजत दीजिए। इस केस को देखते हुए हमें अपने तरीके से बहुत सारी तैयारियां करनी है ताकि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई शुरू हो सके, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं।
अरे कहाँ जा रहे हैं? वो भी हमसे मिले बेटा, क्षमा चाहेंगे, आपको इंतजार करना पड़ा। अभी अभी आपका नाम याद करने में जुगत लगा रहा था, लगे कि समय से पहले ही दिमाग पर बुढ़ापा छा रहा। एक और बार अपना नाम बता दें, इस बार दिल में कर लूंगा। अरे कोनो बात नहीं ना, नाम है कृष्णा सिंह, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने आए गए, उनका लगा पूछ ले जरा वो केस का क्या भवा, कुछ आगे बढ़ा कि नहीं। सिंह साहब, अब तो लग रहा कि कातिल जल्दी हद से चढ़ेगा, एक बड़ी जुझारू और काबिल सरकारी वकील इस केस से जुड़ गई है। अरे यहाँ तो वैसे ही वकीलों की खान है, वैसे कौन है, मतलब क्या नाम का है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा सिंह। दिमाग से तेज और बात सीधी करे, अपने ही दम पर केस के कई पहलू उधेड़ लिए उसने, जितना सुना था उसे कई ज्यादा पाया उनको। अब हम चलते हैं, अभी कुछ जरूरी काम याद आएगा, वाह मिलते हैं फिर हैं? समझ गई है प्रतिज्ञा, ये केस नहीं ले सकती, हम लेने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा, हुई का गवाह तुमका यार, यहाँ क्या कर रही हो तुम हैं? हम सारे पावलो जैसे तुमका सब जगह ढूंढ रहे हैं और यह तुम आराम शांति से बैठी हो, हमका एक बात सब चल कर रहा है यार हैं? और ये कब से प्रथा हो गई कि हमसे राय सलाह लेना ही बंद हुई गवाह? वो बलवंत का केस लियो तुम, मतलब हमका समझ में आ रहा कि जरूरत क्या थी यार, और हमको ना पूछी ना बताई कुछ भी नहीं, क्या हमारी कोनो अहमियत है कि नहीं है, बोलबो। और ये कब से प्रथा बन गई है कृष्णा कि तुम हम पर ऐसे हाथ उठाओगे? यार तुम भाई हमारे सामने वकील साहब बनने की कोशिश मत करो यार, कि इस सवाल का जवाब सवाल से मत दो, जो पूछे उसका जवाब दो, यहाँ कोई जीरा करने बैठे नहीं हम, और जवाब नहीं देना ना मत दो, बस ये जो तुम केस लियो ना इसका वापस लो यार। अरे यार बाबू बलवंत गुंडा है, आपका गुंडे का केस लड़ोगी तुम? हमका समझ नहीं आ रहा हुई का गवाह तुमका, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते तुम यार? कुछ कह रहे तुमसे जवाब दो अब। ए यार अरे बाबू तुमसे बात कर रहे हैं, जवाब दो ना यार, को तो बखैती तो कर नहीं रहे। प्रतिज्ञा तुमसे कुछ कह रहे हैं ना? प्रतिज्ञा तुमसे बात कर रहे हैं, जवाब दो उनका यार, तुम कुछ कह रहे हैं यार हैं? सर अपनी मनमानी कर दो, तुम बात नहीं मन मोबरी, हम कह रहे हैं ना केस वापस लेना मतलब लेना है। तुमका समझा रहे, तुमका बात समझ में कहीं नहीं आ रही है यार हैं? कितनी बार बोलेंगे तुमका? प्रतिज्ञा